बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की, और फ्यूचर ग्रुप में फिर एक नया मोड़ आ रहा है, और फ्यूचर रिटेल का जो लोन था सर 30 सितंबर को पूरा होने वाला था, जिसमें उनको 19 महीने की मोहलत मिल चुकी थी बैंक के द्वारा, अब वो जो मोहलत है सर 31 दिसंबर तक होनी है। और जैसे जैसे फ्यूचर रिटेल में संभावना सेल की हो गई या इनकी डील की हो गई, उसमें अमेजोन का केस हो गया, उससे बैंकों को चिंता सी हो चुकी है कि ये अब जो 31 दिसंबर को इन्होंने अगर लोन की किस्त नहीं दी तो ये फिर बैंक के द्वारा डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे, और उसके लिए बैंक काम कर रहा है। कहीं ना कहीं सर एक निगेटिव न्यूज़ और निकल के फ्यूचर रिटेल के लिए ये निकल कर आ रही है, जो बहुत ही इफेक्ट फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पे आपको अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी 31 दिसंबर आने में टाइम है, उससे पहले अगर इन्होंने ये काम कर लिया कि ये किस्त अपनी दे दें तो ये फिर एक हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी, अगर नहीं दिया तो फिर ये बैंक के द्वारा डिफाल्टर साबित भी होंगे, क्योंकि 19 महीने की इनको पहले ही मोहलत मिल चुकी है सर। तो सारी न्यूज को ना सर देखना और उसको समझना ही एक अच्छे ज्ञान को अच्छा करता है सर, नहीं तो टारगेट में हम कब तक उलझे रहेंगे। हमें अंदरूनी जो चीज़ें होती हैं उससे ही हमें हिंट्स मिलते हैं, वही चीज़ें मैं आपके पास ला कर रखता हूँ सर। It's not a game, it's a rich game.